दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष कौशल मिश्रा ने दक्षिणी दिल्ली के सभी 5 विधानसभाओं में संगठनात्मक प्रवास किया। इस दौरान पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दी और छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर लगी रोक को लेकर केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर बदरपुर इलाके की है, जहां पर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष कौशल मिश्रा द्वारा संगठनात्मक बैठक की जा रही है। उनके द्वारा दक्षिणी जिले के देवली, संगम विहार, तुगलकाबाद, कालकाजी और बदरपुर विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक प्रवास किया गया। इस दौरान उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया। वहीं इस दौरान उन्होंने दिल्ली में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक के मुद्दे को लेकर जमकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा पूरे दिल्ली में 2000 छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से पूर्वांचल समाज संवाद अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज संगम विहार, देवली, बदरपुर, ओम विहार वार्ड, हरिनगर, जैतपुर वार्ड में पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कौशल मिश्रा जी ने बैठकर उनको मोदी सरकार की योजनाएं से उनको अवगत कराया, उनको जानकारी दी और सभी लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। मैं पूरी दिल्ली में प्रवास कर रहा हूं, जिसका मेरा दक्षिणी दिल्ली जिले में था और इस प्रवास में हम संवाद जो बैठकें हैं उन बैठकों में अपने भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के किए हुए कार्यों की चर्चा और उससे लोगों में जो उत्साह है और नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आज जो एक अलग से हुआ, मैं चंदन चौधरी जी के नेतृत्व में छठ मैया का विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें बाइक सैकड़ों बाइक के साथ आज इस उत्सव को हमने मनाया और अपनी माई और बहनी के साथ हम सब एकत्रित हो के आज यहाँ पर तालाब पे छठ मैया का दीप जलाया। कौशल मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेके हैं और छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन के लिए एलजी को पत्र लिखा है। वहीं इस दौरान देवली इलाके में छठ पूजा विजय जुलूस निकाला गया।